सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम ऋतिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, वृद्धा पेंशन लिस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों यहां पर काफ़ी कमेंट चल रहा था कि 2019 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पेंशन लिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ हम अपने मोबाइल से ही करना चाहते हैं, जो कि मतलब कि आप मोबाइल में सुविधा है, लैपटॉप में है। अगर आप में घर पर अच्छे नेट चलाते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करें, चलिए इस वीडियो में आपको मैं सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको कहीं ब्लॉग पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो और आपको बताते हैं ऑनलाइन आवेदन के, वृद्धा पेंशन लिस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्लीज़ आप टच कर दीजिएगा। बराबर में आएगा नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी के निशान, उससे दबना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक कम कर दे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आवेदन करने के लिए आपको चलना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैं चल रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पेंशन लिस्ट, ठीक है। आपको सिंपली पेंशन लिस्ट सर्च करना है, तो चलिए पेंशन लिस्ट सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो पेंशन लिस्ट यहाँ पर मैंने जैसे टैप कर दिया, टैप करने के बाद सर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा तो आपको जस्ट यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे, या भाई कीपैड आ जाए। ओके, तो कीपैड आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च कर लिया, करने के बाद जस्ट ऊपर ही लिखेगा वृद्धा पेंशन, ठीक है। तो सिंपली आपको वहाँ पर करना है क्लिक। ओके, चलिए मैं कर देता हूँ क्लिक। ओके, करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है वृद्धा पेंशन, यहाँ पर वृद्धा पेंशन, और यहाँ पर योजना के विभाग में आवेदन का परिणाम, एक है अलग बात है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिए लिखा है अप्लाई और यहाँ पर लिखा है आवेदन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन पर क्लिक करना है, चलिए मैं कर लेता हूँ आवेदन पर क्लिक। आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना है। ओके, तो मैंने कर लिया क्लिक। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखा है फर्स्ट में न्यू इटर फॉर्म, ठीक है। तो सिंपली वन पर करना है क्लिक, चलिए मैं कर लेता हूँ क्लिक। अब जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए फॉर्म खुलकर आ चुका है, जो कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब कि ऑफलाइन करते हैं ब्लॉक में तो भी भरना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो भी भरना पड़ेगा आपको। तो ओके, यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉर्म खुलकर आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। क्या क्या भरना है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, पूरा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बताऊँ तो कमेंट में बताइए, लिखिए कि पूरा बताइए, मैं बता दूँगा, इसलिए शॉर्टकट में बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो ये रेड रेड का ये बिंदु बिंदु स्टार है, ये आपको भरना अनिवार्य है, आनी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आवेदन, देखिए आवेदन का नाम, ठीक है, आवेदन का पति का नाम, जो कि उनका क्या नाम था, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर बहुत कुछ भरना है, पूरा पता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तहसील जनपद, अगर इनका पति का डेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर भरना है, आपको यहाँ पर डेड सर्टिफिकेट यहाँ पर कहीं मांगेगा, बट यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लास्ट में ऑप्शन आपको दिखेगा बैंक का नाम, खाताधारी का नाम, आपको पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, सारे चीज़ यहाँ पर भरने के बाद, ठीक है, सब टोटली आप भर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद ये कैप्चर कोड आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है, छोटा मैंने कर दिया। यहाँ पर एक कैप्चर कोड होगा, ये नंबर इसमें फिल करके यहाँ पर सेव पर करना है क्लिक। अगर ये सारे आप काम कर लेंगे उसके बाद आपके नंबर पर SMS के द्वारा मोबाइल नंबर पर आपको एक नंबर दिया जाएगा कि जो कि उसी से पता कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, आपका बना है या नहीं, रिजेक्ट हुआ क्या, वो उसी से आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन करना तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म मिलेगा ब्लॉक में वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं भी मिला तो इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फिर आप ये इसको फॉर्म को भरने के बाद दे दीजिएगा। बट हाँ, इसके बाद ऑफलाइन अगर भरते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है, जो कि डॉक्यूमेंट काफ़ी सारा लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ऑनलाइन मांग रहा है वही अपलोड करना होगा, ऑफलाइन में ज़्यादा डॉक्यूमेंट लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।